हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। क्योंकि आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जितने भी आपके क्वेश्चन हैं कि सीपेट में कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, किस कोर्सेज का क्या मतलब होता है, कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कोर्स उतना अच्छा नहीं है, या फिर से सीपेट में जो पढ़ाया जाता है किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, जो बुकें होती है वो किस लैंग्वेज में रहती हैं, जो लिखना होता है वो किस लैंग्वेज में लिखना होता है, उसके बाद से हमारा जो फीस होता है वो फीस कितना लगता है एक से फर्स्ट सेमेस्टर का, एडमिशन का और हॉस्टल का, और उसके बाद से इंटरव्यू कैसे ऑर्गेनाइज होता है, पढ़ाई कैसे होती है, हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को आज के इस वीडियो में कवर किया गया है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर सबसे पहले हम सभी कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं कि किस कोर्स का क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद से डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा कोर्स बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डीपीटी। अब डीपीटी का मतलब क्या होता है? डीपीटी का मतलब है कि डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो डीपीटी में हमें पढ़ाया क्या जाता है कि कोई भी प्लास्टिक है, ठीक है, उस ग्रेनुअल के बारे में, प्लास्टिक के दाने के बारे में बताया जाता है, मतलब हर एक मटेरियल के बारे में बताया जाता है। जैसे कई प्रकार के मटेरियल होते हैं प्लास्टिक्स के, जैसे हम एग्जांपल दे देते हैं, आपका एलडी होता है, एचडी होता है, पीवीसी होता है, बहुत सारे मटेरियल हैं, इन्हीं सब मटेरियल के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से उस मटेरियल का प्रोसेसिंग कैसे होता है, ठीक है, उस मटेरियल को हम किसी पार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन सा मशीनरी यूज करेंगे तो कौन सा पार्ट्स बनेगा, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। कितना टेम्परेचर रखेंगे, कैसे उसका प्रोसेसिंग है, कैसे हम बोतल बनाएंगे, कैसे हम गाड़ी का पार्ट्स बनाएंगे, कैसे हम पाइप बनाएंगे, ठीक है, कैसे हम फिटिंग्स बनाएंगे, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। कौन कौन सा मशीनरी कब यूज होगा, किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा मशीनरी यूज होता है, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, उसका कार्य के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इसमें पढ़ाया जाता है टेस्टिंग के बारे में, कि उसको टेस्ट किया जाता है कि कैसे हम जानेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है या जो हमारा मटेरियल है वो सही है, ठीक है, उसको टेस्ट करने के बारे में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। डीपीटी की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद से पढ़ाया जाता है मेंटेनेंस के बारे में, ठीक है, मशीनों का, जो जिस मशीन में हम कोई भी पार्ट्स बनाते हैं, कोई भी जैसे जग मग या फिर से बोतल पाइप्स कुछ भी बनाते हैं, तो उस मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, उनको कैसे सही किया जाता है, ठीक है, और किस मशीन का क्या प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी पढ़ाया जाता है, प्रॉब्लम आने से पहले क्या क्या किया जाता है, प्रॉब्लम आने के बाद कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे मैनेजमेंट करना है, प्लानिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, कैसे प्लानिंग करना है, जैसे कंपनियों में होता है प्लानिंग किया जाता है कि किस मशीन पे कौन सा प्रोडक्शन हमें करना है, किस मशीन पे कौन से पार्ट को हमें बनाना है, कौन सा वस्त्र बनाना है, मग बनाना है, जग बनाना है, या ब्रश बनाना है, या बोतल बनाना है, कब बनाना है, कितने टाइम में बन जाएगा, कितना मटेरियल लगेगा, इसका प्लानिंग होता है, ठीक है। और मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाता है कि कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है, लेबर को कैसे मैनेज किया जाता है, कोई सीनियर आदमी है उससे कैसे मैनेज किया जाता है, कोई सीनियर है तो उसके साथ कैसा अपने आप को मैनेज करके रखना है, ठीक है, पूरा प्लांट को कैसे मैनेज करके पूरा स्मूथली उसको रन करवाना है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। और उसके बाद से एक जो मेन जो बात है कि आपको कंपाउंडिंग के बारे में भी पढ़ाया जाता है कि कौन कौन सा हम मटेरियल मिलाएंगे एप्लीकेशन के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से, जैसे हमें ज़रूरत है एक बोतल की, तो उसमें हम कौन कौन सा मटेरियल मिलाएंगे कि ये हमारा बोतल और बढ़िया हो जाए, ठीक है, या फिर से यह बोतल बन जाए, ठीक है, उसके लिए हमें कंपाउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है कि हम ABS मटेरियल कितना मिलाएं, PP मटेरियल कितना मिलाएं, या HIPS PS कितना मात्रा कितने मात्रा में मिलाएं, PVC में कितना रेजिन मिलाएं, कितना कैल्शियम मिलाएं, इन्हीं सब के बारे में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। मतलब एवरीथिंग, एक कोई पार्ट ले लीजिए, एक सपोज एक बोतल ले लीजिए, उस बोतल को बनाने के लिए हमें किस मटेरियल की ज़रूरत है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा,
फिर से वो मटेरियल हमें किस मशीन में डालना है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, किस मशीन से हमारा बोतल का शेप बनेगा इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से उसको हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि यह जो प्रोडक्ट बना है यह सही बना है, ठीक है, और मशीनों में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हम कैसे सही करेंगे, और इसको बनाने के लिए हमें कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे प्लानिंग करना है, इसके बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि इस डीपीटी कोर्स के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और डीपीटी कोर्स करने के लिए जो अभी एडमिशन पीरियड में जो पैसा लग रहा है वो 20,500 के आसपास में आपका लग रहा है 6 मंथ के लिए, और जो लड़के डीपीटी करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका क्या है कि एडमिशन इतने में हो जाएगा और रहने खाने का इतना पकड़ लीजिए कि 20,000 रुपये कॉलेज को देना है और 20,000 रुपये के आसपास में आपका रहने खाने का हो जाएगा। 40,000 रुपये पकड़ के चलिए, 40 से 45,000 रुपये आपका 6 महीने का एक खर्चा आएगा डीपीटी कोर्स कर रहे हैं तो। अब हम आते हैं डीपीएमटी पे। डीपीएमटी का क्या मतलब होता है? डीपीएमटी का मतलब होता है डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, मोल्ड टेक्नोलॉजी, ये डीपीएमटी हो गया, ठीक है। तो डीपीएमटी में हमें क्या पढ़ाया जाता है कि जो हम कोई देखिए डीपीटी में पढ़ाया गया कि हमें पार्ट्स कैसे बनाते हैं, प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ाया गया। अब वही जैसे वो मटेरियल हम बताए कि आपको मतलब कौन सा मटेरियल डालना है और कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ये चीज़ हम डिसाइड करते हैं डीपीटी में। लेकिन जो शेप में बनाना है, जो हमें शेप चाहिए एक बोतल का ही हमें जो शेप चाहिए, जैसे बोतल भी देखे होंगे कि कई कई डिजाइन के होते हैं, तो उसका डिजाइन के बारे में डीपीएमटी में पढ़ाया जाता है। उसका उसका जो जो मोल्ड होता है उसको कैसे बनाते हैं, क्या मेटल लगता है, कौन कौन सा मशीन यूज होता है, सीएनसी होता है, ईएमडी होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में डीपीएमटी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। डीपीएमटी में आपको पूरा लेथ के बारे में बताया जाएगा, सीएनसी के बारे में बताया जाएगा, मिलिंग के बारे में बताया जाएगा, आपको टूलिंग के बारे में बताया जाएगा, लोहा जो मेटल होता है उसके ग्रेड के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि कौन सा ग्रेड कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब मैक्सिमम जो है ये मोल्ड मेंटेनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है कि उसको मेंटेनेंस कैसे करते हैं, और उसके बाद से उसका डिजाइन कैसे किया जाता है, ठीक है, और उसके मतलब उस डिजाइन को करने के लिए किस किस मशीन का यूज किया जाता है, ठीक है, और डिजाइन के बारे में भी डीपीएमटी में पढ़ाया जाता है। और इसमें कास्टिंग के बारे में भी पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ाया जाता है, और मेंटेनेंस के बारे में भी पढ़ाया जाता है कि उसको मतलब कैसे मेंटेनेंस करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे कंपनी में, ठीक है, और कैसे उसको कटिंग करेंगे, मतलब हर एक चीज उस शेप को बनाने के लिए, ठीक है, उस शेप को बनाने के लिए जितना भी वर्क होता है वो सब डीपीएमटी में होता है। और इसका भी फीस इसी के आसपास 20,500 के आसपास ही इसका भी फीस रहता है डीपीएमटी कोर्स का भी, और इसका भी आप 20,000 रुपये फीस का रख लीजिए, 20,000 रुपये आप अपने पैकेट मतलब जो रहने खाने का है उसका रख लीजिए, हॉस्टल भी लेंगे तो भी 20,000 में हो जाता है, ठीक है। तो मतलब दोनों का लेके 40,000 रुपये डीपीएमटी के लिए भी लेके चलिए, ठीक है, डीपीएमटी के लिए भी 40,000 रुपये अगर डीपीएमटी करने जा रहे हैं तो, और डीपीटी करने जा रहे हैं तो भी 40,000 रुपये आप 6 महीने का मान के चलिए, 40 से 45,000 रुपये आपका लगेगा। उसके बाद से अब बात करते हैं पीजीडी पीपीटी के बारे में। पीजीडी पीपीटी का क्या मतलब होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये होता है पीजीडी पीपीटी का मतलब, ठीक है। और पीजीडी पीपीटी में हमको क्या पढ़ाया जाता है, बस जो डीपीटी में पढ़ाया जाता है और कुछ डीपीएमटी से भी एक एक दो चीज ले लिया जाता है, वो कैसे देखिए मेंटेनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है, उसके बाद से आपका कास्टिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, और उसके बाद से उसमें प्लास्टिक्स मटेरियल के बारे में पढ़ाया जाता है, प्लास्टिक्स टेस्टिंग के बारे में पढ़ाया जाता है जो डीपीटी में पढ़ाया जा रहा था। हाँ सेम सेम डीपीएमटी का भी कुछ ले लिया जाता है, जैसे डिजाइनिंग का ले लिया जाता है, डिजाइनिंग भी इसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है।
पीजीटी पीपीटी मात्र 1.5 साल कॉलेज में आपको स्पेंड करना होता है, कॉलेज में आपको पढ़ना होता है। 6 महीने आपको भेज दिया जाता है इंडस्ट्री में, 6 महीने इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट आपको लाके जमा करना होता है कि आपने जो काम क्या काम किए कंपनी में, ठीक है, उसी का रिपोर्ट आपको जमा करना होता है। पीजीटी पीपीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन जरूरी है, ग्रेजुएशन के बाद ही पीजीटी पीपीटी होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप पीजीटी पीपीटी के बारे में भी सब कुछ अच्छे से जान गए, ठीक है। इसमें भी आप प्रोसेसिंग मटेरियल, टेस्टिंग और आपका मोल्ड डिजाइन इसमें पढ़ाया जाता है पीजीटी पीपीटी में। इसका भी जो फीस रहता है इसी के आसपास रहेगा और खर्चा भी वही पड़ जाएगा, ठीक है, खर्चे भी वही आ जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यह रही कोर्सेस। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो इन तीनों में बेस्ट की अगर बात करें तो देखिए, डीपीटी, डीपीटी क्या है, इसमें प्लास्टिक के हर एक चीज़ को पढ़ाया जाता है और इसमें लोअर टाइप के जॉब वाले भी मिलेंगे और हाई टाइप के जॉब वाले भी मिलेंगे। लेकिन डीपीएमटी में अगर आप जाएंगे तो या तो बिल्कुल घर बैठ गए हैं या तो फिर से मतलब बहुत ही अच्छे पोस्ट पे हैं और बहुत ही अच्छा पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। डीपीएमटी का ये है कि कम जॉब लगता है लेकिन जो लगता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है, वो लोग काफ़ी जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन जिसका डीपीएमटी में नहीं होता है तो वह डीपीटी में भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन रहता है, हर कॉलेज में ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो अब आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा बेस्ट है इन दोनों में। अब पीजीटी पीपीटी की बात कर लेते हैं। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो आपके लिए पीजीटी पीपीटी ही बढ़िया है, ठीक है, पीजीटी पीपीटी आपके लिए बहुत बढ़िया है अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो, ठीक है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो जाता है और उसके बाद से डीपीटी और डीपीएमटी दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। थोड़ा कम वक्त, कम टाइम में सब कुछ कवर किया जाता है लेकिन हो जाता है। और फ्रेंड्स, तीनों में पीजीटी पीपीटी की बात करें या फिर से डीपीटी की बात करें, डीपीएमटी की बात करें, प्रैक्टिकल तीनों में कराया जाता है। जो भी पढ़ाया जाता है प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो प्रैक्टिकल करने में शर्म ना करें, बहुत लड़के शर्म करते हैं, प्रैक्टिकल ही काम आता है कंपनी में। तो प्रैक्टिकल जितना हो सके उतना करें, ठीक है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। और उसके बाद से किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, देखिए वहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको, मैक्सिमम कॉलेज में आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, कुछ इंग्लिश कंबाइन रहेगा, कुछ हिंदी रहेगा, ठीक है, दोनों लैंग्वेज को लेके चला जाता है, ठीक है, ताकि हर एक आदमी, हर एक लड़का समझ जाए, ठीक है। उसके बाद से जो पेपर होता है, ठीक है, वो पेपर इंग्लिश में ही होता है, जो बुक रहता है वो मैक्सिमम इंग्लिश में ही रहता है, एक दो बुक कहीं से मिल जाता है इधर उधर हिंदी का, लेकिन मैक्सिमम आपका इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। तो आप हिंदी मीडियम वाले भी हैं तो इतना बड़ा इशू नहीं है, आप भी जा सकते हैं, करेंगे, और हिंदी मीडियम के 90% लड़के मिलते हैं हर सीपेट के सेंटर में, ठीक है। तो हिंदी को देखते हुए ही सभी सेंटर में पढ़ाया जाता है। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं कि फेल हो जाने पे क्या होगा। देखिए, अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर से जो दूसरा एग्जाम आएगा उस एग्जाम में आपका फिर से पिछले जो जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट का फिर से दोबारा आपको एग्जाम दे के उसको क्लियर करना रहेगा, ठीक है, बस यही प्रोसीजर है इसका। अगर आप किसी सब्जेक्ट में आपका ब्रेक लग जा रहा है, किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जा रहे हैं तो। और प्लेसमेंट की बात करें तो बहुत सारे कॉलेज में कंपनियां आती हैं, आपका इंटरव्यू होता है, रिटेन में भी होता है, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू देना होता है। हर सेंटर में मतलब कंपनी भी आती है और डायरेक्ट भी लड़के चले जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी मतलब कंपनी से बात हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, ऑनलाइन भी हो जाता है, वीडियो कॉल पे भी इंटरव्यू हो जाता है, और फिर से डायरेक्टली भी मतलब भेजा जा सकता है कि आपका वहाँ पे हो गया है, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्लेसमेंट हो जाता है और 100% सभी लड़कों का प्लेसमेंट कॉलेज से हो जाता है। बाद में कोई लड़का घर जाता है या कोई लड़का रुका रुकता है या किसी को कंपनी अच्छी मिलती है, कोई कंपनी अच्छा चूज किया रहता है, कोई कंपनी अच्छा नहीं चूज किया रहता है, तो यह गलती लड़कों की ही रहती है। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी ज़्यादा कवर करने का कोशिश किया हूँ, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक तो कर दीजिए फ्रेंड्स, और उसके बाद से इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।